तो हे गज़ वेलकम बैक टू दिस चैनल रिकॉर्ड एंड पोस्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है यार काफ़ी हमारे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से कह रहे थे यार कि अपने हाईलाइटर में जो स्पीडोमीटर आता है उसके बारे में बताओ कि इसके स्पीडोमीटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं सोचा यार इसके ऊपर भी वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इसके स्पीडोमीटर पर क्या क्या फंक्शंस आपको मिलेंगे और अगर जिसपे ग्रैंड विटारा का माइल्ड वेरिएंट है या हाई का माइल्ड वेरिएंट है तो उसमें स्पीडोमीटर सेम ही आता है कोई अलग है नहीं है ग्रैंड विटारा माइल्ड में सेम ही स्पीडोमीटर आता है जो इस गाड़ी में आता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो भाई ऐड हो सकते हो उसका ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है जिसके पास हाई या ग्रैंड विटारा है वो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं दोनों का अलग अलग मैंने ग्रुप बना रखा है तो अगर आपको भी मन है तो भाई डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप ऐड हो जाना तो वीडियो करता हूँ मैं स्टार्टअप जिसको भी ये शेड चाहिए ना जैसे कस्टमाइज़ करा सकता है कोई सा भी शेड ना ऐसा फुल साइज का चाहिए फुल साइज़ का मिल जाएगा हाफ वाला भी मिल जाएगा आ, पूरी गाड़ी का मिल जाएगा शेड अपनी हाईलाइटर का या कोई सी भी गाड़ी का शेड चाहिए हो तो मेरे को मेल कर देना मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ कोरियर के साथ तो उसका भी मेरे को बता देना अगर आपके हाई राइटर या ग्रैंड बिटा रहा है तो मैं शेड आपको अवेलेबल करा दूँगा तो चलो भाई अब गेट खोलता हूँ और गेट खोलते ही अपने माइल्ड हाइब्रिड में ऐसा स्पीडोमीटर मिलता है और अभी मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ तो मैंने जूम इन कर लिया है और कुछ ऐसे दिखता है इसका स्पीडोमीटर और अगर आप इसका फुल्ली हाइब्रिड लोगे तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर आता है लेकिन माइल्ड हाइब्रिड में तो आपको ऐसा ही मिलता है अब इसको ऑन करता हूँ एक बार बटन प्रेस करूँगा तो उसका शेयरिंग अनलॉक होता है दूसरी बार प्रेस करूंगा तो उसका, तो उसका स्पीडोमीटर ऐसे ऑन हो जाता है और यहाँ पर बताना चाहता हूँ एक बटन दे रखा है ये बटन का काम ये है जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिप ए और बी को चेंज करना हो तो इसको प्रेस करना तो ये ट्रिप ए और बी आपकी चेंज हो जाती है और आपको रीसेट करना है तो आप इसे दबा के रखोगे तो ये रीसेट भी ट्रिप ए और बी हो जाता है अब दूसरा बटन यहाँ पे दे रखा है ये आपका एम के फंक्शंस वगैरह जो इन्फॉर्मेशन आती है इस वाली एम में ये सब चेंज करने के लिए अभी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये आपका फ्यूल इकोनॉमी बताता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपने कितनी निकाली है ये रेंज बताता है रेंज आपकी कैलकुलेट होती है कि आपने पहले कैसे गाड़ी कितनी एवरेज निकाली थी अगर आपने अच्छी एवरेज निकाली है तो ये रेंज है ना सात सौ साढ़े सात सौ के आसपास भी चली जाती है तो और ये आपका बताता है कि जितना ये ग्रीन रहेगा ना जितना आप लाइट फुट चलोगे तो ये जब आप गाड़ी चलाओगे तो ये ग्रीन ग्राफ बन के आएगा तो इसका मतलब आपको जो एवरेज है वो अच्छी मिल रही है अगर जितना ही ग्राफ कम होगा तो उस हिसाब से एवरेज आपको कम मिलेगी और ये सेंसर आपको बता रहा है इक्कीस डिग्री टेम्परेचर बता रहा है मतलब बाहर का सेंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं दिख रहा होगा तो ये सेंसर दे रखे हैं तो ये बाहर का जो टेम्परेचर है ये भी शो करता है और इस वाले बटन से अगर इसे प्रेस करूँगा तो ये इंफॉर्मेशन इसमें एम का जो है लेआउट चेंज हो जाता है और ये कुछ ऐसा शो होता है ये अभी अपना एवरेज का बताता है गाड़ी चलाओगे तो उस हिसाब से ग्राफ बन के आने लग जाएगा एक दूसरी ये आपका ड्राइविंग टाइम है ड्राइविंग टाइम अब जब से आपने गाड़ी ली है तब से कितनी चली है कितने टाइम तक और ये टोटल आइडल स्टॉप का है फ्यूल सेव का है कितनी बार गाड़ी ऑन ऑफ हुई है ये डेट और टाइम का है ये मोशन का है फ्रंट और रेयर का कि अगर आपकी गाड़ी एकदम मतलब ऐसे ढलान से उतर रही है तो ये बॉल है वो आगे की साइड जाएगी और जब एक्सिलेटेड हो गए तो ये बॉल पीछे की साइड जाएगी और आप एकदम ऐसे लाइट फुट चलाओगे तो ये बॉल बीच में रहेगी ऐसे शो होता है और ये टॉक और पावर का ये काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को जब आप गाड़ी भगाओगे ना तो ये टॉक और पावर का अपना ग्राफ बन के आने लग जाता है और बहुत बढ़िया लगता है मेरे को मैं तो इसी में रखता हूँ इसे और फिर इसके एक बार प्रेस करूंगा तो एक्सेलरेशन का आता है जैसे मैंने अभी एक्सेलरेशन दिया बंद गाड़ी में भी ये काम करता है तो मैंने एक्सलोरेशन दिया और ये ग्राफ ऐसे बन रहा है और ब्रेक का करूंगा तो ये ब्रेक का ऐसे ग्राफ बन के आने लग जाएगा ये बढ़िया लगता है मेरे को ये इंजन मोटर बैटरी है एक्चुअली इसका काम ये है जैसे ये माइल्ड हाइब्रिड है माइल्ड हाइब्रिड में ना ये सीट के नीचे एक बैटरी होती है उस बैटरी का, का काम ये रहता है कि ये बैटरी इंजन को पावर देती है मतलब इंजन के साथ बैटरी की भी पावर आती है तो उससे एक छोटा सा पंच मिलता है ताकि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं जैसे टर्बो गाड़ियों में एक पंच मिलता है ना पिकअप मिलता है आ, वो लैग कम करने के लिए वैसे ही है ना ये बैटरी पावर देती है इंजन को तो ये इंजन और बैटरी दोनों की आ, मिक्स पावर रहती है तो एक पंच अच्छा सा मिल जाता है आपको और ये जैसी अगर दो दो में आ जाती है ना दो बार है जैसे इसके तो ये काम नहीं करता ये जब तीन होते हैं चार होते हैं फुल होती है तभी ये बैटरी पावर देती है इंजन को एक एरो भी बन के आता है जब आप एक्सीटर दोगे ना एकदम तो भगाओगे गाड़ी तो यहाँ पर एरो बन के आएगा ऊपर के लिए मतलब इसका मतलब बैटरी पावर दे रही है इंजन को और जब आप लाइट फुट चलोगे रीजन करते हुए चलोगे तो इंजन आपका इंजन पावर देगा बैटरी को और इंजन आपका बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा तो ये जो बैटरी है ये आपकी फुल भी हो जाती है तो उसका ये काम रहता है एक माइन्यूट सा पंच मिलता है आपको पाँच दस परसेंट का पंच कह सकते हैं जो बैटरी पावर देती है इंजन को उसका ये काम रहता है ये ऐसा ब्लैंक आ जाता है इसके बाद अपना वही फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आ जाता है अब मैं इसको मैं दबा के रखूँगा ना ये इस वाले बटन को मैं दबा के रखूँगा तो उसका अपना जो ड्राइविंग टाइम है ये अपना ज़ीरो भी हो जाता है तो मैंने इसे जीरो कर दिया इसको भी मैं चाहूँ तो उससे दबा के रखूँगा ये भी ज़ीरो हो जाता है अब मैं इसे दबा के रखूँगा एकदम दबा के रखूँगा टाइम के पास तो उसका जो मेन्यू है ये ऐसे खुल जाता है जैसे फ़ोन में होती है ना सेटिंग्स वैसे इसमें भी खुल जाता है तो सेटिंग्स मोड में अपना डिस्टेंस यूनिट है डिस्टेंस यूनिट में अपना किलोमीटर माइल्स में कर सकते हो लेकिन मेरे को तो किलोमीटर में करना है तो मैंने ऐसे सक्सेसफुल आता है बढ़िया लगता है ये ये फ्यूल इकोनॉमी का है किलोमीटर पर लीटर में चाहिए कि आपको अलग अलग स्टाइल में चाहिए यू के स्टाइल में तो अपन ने किलोमीटर पर लीटर में कर रखा है ये अपने लैंग्वेज है इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश वगैरह तो अपन ने तो इंग्लिश कर रखा है और हिंदी लैंग्वेज तो है ही नहीं इसमें बताओ ऐसे सक्सेसफुल आएगा फिर लिखा हुआ ये फ्यूल रीसेट का है फ्यूल रीसेट अगर आप जैसे ही पेट्रोल लगाओगे तो अपने आप ही जो उसका फ्यूल है अपने आप रीसेट हो जाएगा अपने आप जो ट्रिप ए और बी है अपने आप रीसेट हो जाएगी ट्रिप ए होगी मतलब मैंने तो मैनुअली कर रहा है कि मैंने खुद ही करता हूँ रीसेट उसके बाद अपना टेम्परेचर आता है टेम्परेचर आपको सेल्सियस में चाहिए फेरानाइट पे चाहिए तो भाई मैं तो रहता हूँ इंडिया में और इंडिया में मेरे को चाहिए सेल्सियस तो मैंने सेल्सियस में कर रखा है ये सेट सेंसर है ये अपना रिवर्स सेंसर है ये ट्रेलर मोड में कभी भी मत करना मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेलर मोड में अगर आप ये करोगे आपका सेंसर काम नहीं करेगा ठीक है नॉर्मल मोड में ही इसे रिवर्स सेंसर को रखना तभी आपके सेंसर काम करेंगे फिर उसके बाद क्लॉक सेटिंग्स है क्लॉक सेटिंग्स अपना वही है टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं मेरा तो बढ़िया चल रहा है तो लॉक डोर में अपना लॉक डोर में ये है डोर डोर अनलॉक कर सकते हो जैसे आप एक बार गाड़ी अनलॉक करोगे तो ड्राइवर साइड का ही गेट खुलता है ना तो दूसरी बार प्रेस करते हो फिर जाके चारों जो गेट है वो खुलते हैं इस पर ऑल में कर दोगे ना तो आप एक ही बार गाड़ी को जब अनलॉक करोगे सारे गेट अपने अनलॉक हो जाएंगे वो कर रखा है मैंने ये ऑटो लॉक का है ये स्पीड जैसी सेंस करती है बीस की स्पीड आती है तो अपने आप ही ये लॉक हो जाती है गेट तो मैंने उसमें कर रखा है उसके बाद ये ऑटो अनलॉक का है जैसी गाड़ी मैं ऑफ करूंगा ना जैसे आई जी लिखा हुआ है ना ऑफ तो जैसे मैं गाड़ी इंजन ऑफ करता हूँ ना इंजन जैसे ही ऑफ करूँगा तो ये अपने आप जो गाड़ी है ये अनलॉक हो जाती है तो जैसे अगर बाय चांस कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी का इंजन ऑफ होता है तो अपने आप ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है ये अलार्म का है ये अलार्म बचता है अगर आपका कोई गेट वगैरह ओपन वगैरह रह गया है तो ये उस चीज़ का है ये लाइट्स का है लाइट्स का लेन चेंज करने का है अब लेन चेंज का जैसे सपोज़ करो मैं ऐसे ऑफ़ कर देता हूँ तो ऑफ़ कर दूंगा ना तो उसका जो लेन चेंज का है जब मैं इंडिकेटर दूंगा ना तो इसका इंडिकेटर एक ही बारी में बंद हो जाएगा अब मैं इसको पूरा नीचे करना पड़ेगा तब जाके इंडिकेटर काम करेगा अब मैं लेन चेंज को उसको ऑन कर देता हूँ तो लेन चेंज में हाईवे में जब भी हम लेन चेंज करेंगे और इंडिकेटर देंगे हल्का समय से नीचे करूँगा ये कुछ सेकंड तक अपना इंडिकेटर काम करता है तो लेन चेंज में हमेशा इसको आप ऑन में ही रखना ये भी बढ़िया लगा वैसे ऑफ़ करने की से ज़रूरत ही नहीं है फिर ये एंटी थेफ्ट का है ये शॉक सेंसर्स है ये मैंने इसको ऑन ही करके रख रखा है जैसे ही आपकी गाड़ी को ये टच करेगा या बहुत तेज़ आवाज़ आएगी तो उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ये बजने लग जाती है ये तो मैंने तो उसको ऑन ही कर रखा और इसको मैंने एकदम फिफ्थ पोजिशन में कर रखा फिफ्टी में कर रखा है मतलब एकदम हाई वाली सिक्योरिटी कर रखी है मैंने और इसको आप सेट कैसे करोगे जैसे अगर आपको इसे नीचे करना है ना तो इसको आप राइट साइड में ट्विस्ट करोगे वैसे नीचे हो जाएगा लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करोगे ऐसे ऊपर हो जाएगा ऐसे ही काम करता है इस ए सी ए सी का तो स्टैंडर्ड इकनॉमी कम्फर्ट तो मैंने भाई स्टैंडर्ड में ही कर रखा है डिफॉल्ट ही आया था स्टैंडर्ड तो वही मैंने कर रखा है डिस्प्ले आइटम है या कार कलर वगैरह चेंज कर सकते हो तो मेरी वाइट है तो मैंने वाइट कर रखी है आपके पास ब्लू ऑरेंज है तो वो भी कर सकते हो कैलेंडर है कैलेंडर को अगर आपको नहीं देखना तो उसे भी हटा सकते हो कैलेंडर फॉर्म वगैरह ये सब है इसका भी आप डेट मंथ वगैरह ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो ये फ्यूल फ्यूल का डिस्प्लेसमेंट का है फ्यूल ही को इसका बताता है ड्राइव साइकिल में रखना है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट में रखना है ये सब मैंने तो भाई इसमें ही कर रखा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आया था तो मैंने इसी में ही कर रखा है और मोशन मोशन का बताता है जो मैंने आपको दिखाया था वो उसको आप ऑन ऑफ करने वो भी आप कर सकते हो ये आइडल डिस्प्लेसमेंट का है इसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो काफ़ी लोग हैं ये सब नहीं चाहते तो उस, वो अपना ऑफ भी कर सकते हैं इस चीज़ों को जो आइडल वगैरह ये सब बताता है इसे आप ऑफ़ भी कर सकते हो ये मैंने तो ऑन ही कर रखा है इसको भी डिस्प्ले तो मैंने इसे ऑन कर रखा है अब इसमें रीजन का है रीजन का भी जैसे रीजन का ना जैसे रीजन करोगे यहाँ पे एक लोगो आता है और एम आई डी में भी बन के आता है तो उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो मैंने ऑन ही कर रखा है ये सारे फंक्शंस हैं इस गाड़ी में अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो अब देखो मैं इसको बैक कर देता हूँ तो ये सारे फंक्शंस आपको दे रखे हैं मेन uh, तो मैंने जैसे आपको मैंने दिखाया ना कि इस पर आप जो डेट वगैरह है और ये सब सेट वग़ैरह तो कर सकते हो उसके साथ जो अपने सेंसर हैं उसे कभी भी ट्रेलर मोड में मत रखना हमेशा नॉर्मल मोड में ही आप उसको रखना काफ़ी मेरे को तो सबसे बढ़िया ये लगता है इंजन मोटर बैटरी का जो बैटरी पावर देती है ना इंजन को तो एक एरो बन के आता है तो बहुत बढ़िया सा लगता है वो मेरे को इसके लिए यही इसमें फंक्शंस थे स्पीडोमीटर के जो कि मैंने अप्रॉक्स मैंने सारे फंक्शंस आपको बता दिए हैं और बैटरी पावर का भी मेरे को फिर से ये बता देता हूँ कि जैसे ही आप है ना हल्का सा रैश चलाओगे मतलब एक्सेलेटर करोगे तो जैसे ही भगाओगे तो एक बैटरी पावर देती है इंजन को तो इंजन के साथ बैटरी की भी पावर आती है तो थोड़ा सा एक पंच मिल जाता है आप लोग समझ गए हो और आप अगर लाइट फुट चलोगे तो इंजन पावर देगा बैटरी को तो वैसी बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो बैटरी को चार्ज कर देगा ये सीन रहता है एवरेज इससे अच्छी मिल जाती है और एक अच्छा सा पंच मिल जाता है ये फंक्शन है उस गाड़ी का और ये सीट के नीचे रहती है और उस बैटरी की लाइफ करीब करीब आठ साल तक की रहती है आठ साल के बाद ही आपको उसे चेंज कराने की जरूरत पड़ती है आई होप आपको मैंने सारे फंक्शंस बता दिए होंगे स्पीडोमीटर के और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक like ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो भाई ऐड हो जाना ज़रूर और अगर आपको ये शेयर्स चाहिए तो भाई मेरे को मेल कर देना मैं आपको ये शेयर्स भी प्रोवाइड करा दूँगा अच्छे रेट पर तो तब तक के लिए गाइस ओके एंड बाय